टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ हैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है। बहुत ज्यादा इस वीडियो की हमें रिक्वेस्ट आई है, तो वीडियो का जो टाइटल पे आते हैं, वीडियो का टाइटल है केवल एक मिनट देखकर पुलिस वालों की ये वीडियो जरूर देखिए। मतलब देखकर, मतलब एक मिनट देखकर, मतलब इस वीडियो को लाजमी देखें। तो यार आप लोग भी लाजमी देखिएगा। तो देखते हैं नॉलेज टीवी का वीडियो, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं मतलब पुलिस वालों की कैसी वीडियो बनी है। Exactly. तो देखते हैं पुलिस वाले पकड़े। हाँ चला, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब करना और स्टार्ट करते देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पुलिस वालों को लेकर लोग बुरा भला कहते हैं, फिटनेस को लेकर मोटा गैंडा ठुल्ला कहते हैं। हाँ, ये बात है, ये है। जमकर गालियां देते हैं। आज हम आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से परिचय कराते हैं। पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम कुछ पुलिस वाले को ये सब बदनाम हो ना। कोई रविवार ना कोई छुट्टी, जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है उस दिन वह सुबह 4 बजे जगकर अपनी वर्दी दुरुस्त करता है, जूता बेल्ट चमकाता है और जनता के सामने एक आदर्श बनने की कोशिश करता है। भाई साहब, कभी इनकी यूनिफॉर्म उतार कर देख लेना, 10 में से 4 की बनियान फटी होगी, मोजे फटे होंगे। कोई भी सरकारी विभाग हो देश में, रविवार 52 दिन, दूसरा शनिवार 12 दिन, सरकारी छुट्टियां 36 दिन, कुल मिलाकर एक साल में 100 छुट्टियां मनाता है। भाई साहब, पुलिस वाला भी एक सरकारी कर्मचारी ही है, सैलरी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी जितनी ही मिलती है। फिर इन 100 दिनों में से एक भी दिन सिपाही को क्यों नहीं मिलता? और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता और एक दिन में अधिकतम 9 घंटे। भाई साहब, एक पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करता है और सप्ताह में 84 घंटे। दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हालात है इनके। अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म होगी इसका कुछ फिक्स नहीं होता। इन पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, माँ होती है, पत्नी, परिवार सब होता है। आप जरा सोचिए, एक सिपाही को अपनी बेटी की फीस भरनी है, उसके दिन की ड्यूटी है, कब भरेगा? पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई भी त्योहार घर पर नहीं मना पाता, क्योंकि अगर ये सड़क पर ना खड़ा हो तो कोई भी त्योहार बिना फसाद के पूरा ही नहीं होगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये ख्वाहिश लिए कि कभी टीचर पेरेंट्स की मीटिंग में जा सके। पूरे देश में जाकर देखिए, 24% से भी कम को सरकारी आवास मिलना होता है और ये आवास सिर्फ एक कमरे का होता है। एक बार सोच के देखिए, कैसे रहते होंगे अपने माता पिता बच्चों को लेकर। घरों की हालत इतनी खराब कि कोई पता नहीं कब छत गिर जाए, न साफ पानी की व्यवस्था, न शौचालय की। और जो बैरक में रहते हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती है। पुलिस लाइन में सुबह 4 बजे से शौचालय के बाहर लाइन लगती है कि टाइम से फारिग हो जाए। पुलिस वालों शेविंग भी करनी है, लाइन भी लगकर नहाना भी है और फिर लाइन में लगकर खाना भी खाना है, क्योंकि ड्यूटी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहाँ अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो गैर हाजिरी लिख जाएगी। पूरे दिन जनता की उपेक्षा, अधिकारियों और पावरफुल लोगों की डांट, बात बात पर वर्दी उतारने की धमकी के तनाव के बाद जब रात में 9 बजे बैरक पहुंचता है एक पुलिस वाला, तो उसके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि सुबह 4 बजे फिर से जागना है, टॉयलेट की लाइन। हर तरह की होता है इन बेचारों। 45 से ऊपर शायद ही कोई पुलिस वाला स्वस्थ रहता होगा। 40 पार करते करते अनेकों बीमारियां इनको घेर लेती हैं, लेकिन बच्चों को पालना है, मजबूरी है, जिंदगी है तो काटनी है, कट ही जाएगी। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। सो दोस्तों, ये है उन 80% पुलिस वालों की कहानी जो किसी बड़े पद पर आसीन नहीं, किसी कमाई वाली पोस्ट पर पोस्टेड नहीं, सही बोला, जिनका किसी नेता मंत्री से जैक नहीं। ये वह मेजॉरिटी 80% पुलिस वाले हैं। 20% रिश्वतखोर आला अफसरों की वजह से इन 80% लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी जीने वाले पुलिस वालों को भी समाज बुरी नजर से देखता है। हे समाज, तुझसे निवेदन है इस रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार कर कि एक घूस छोड़कर कर्तव्य की तरफ बढ़े। समाज, तुझे बस इस रक्षक को आदर देना है, सम्मान देना है, तो फिर कभी इन छोटे पुलिस वालों को ठुल्ला ना बोलना दोस्तों। ये अगर हमारी तरफ आ जाए तो उन 20% पुलिस वालों की रौब वहां घुसड़ जाएगी जहां इनकी लाइन सुबह सुबह लगती है। शेयर करो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह, और सम्मान दो इन छोटे पुलिस वालों को जैसा एक फौजी को देते हो। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल और इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार इसमें कोई शक नहीं है, कुछ जो पुलिस वाले हैं ना
उनकी वजह से सबसे ज्यादा पुलिस और वो भी ऑफिसर्स में यार, खाली मतलब इंडिया में नहीं दोनों कंट्रीज में, हमारे कंट्री में भी है। और यार मतलब दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जिनका से पूरे फिर वो मतलब पूरा जो पुलिस वाले हैं ना सब बदनाम किया जाते यार। अब आप लोग सारा जो मसला है ना वो बस ऑफिसर्स में है, ऑफिसर नीचे वाले होते हैं वो नीचे वाले नहीं यार, ऑफिसर भी बीच में बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं ऑफिसर भी बड़े अच्छे होते हैं, बस कुछ वो बंदे हैं हर तरफ छोटे में भी बड़े। नीचे वाला ऑफिसर है वो नहीं लेता, ऊपर वाला लेता, ऊपर वाला उसको नीचे वाले क्वार्टर का जोर कर, तो मतलब यार नीचे वाला क्या करे यार, मतलब आप ऐसे होता है ये, मतलब इसमें वही फिर बात आ जाती है 20% लोगों पे, फिर वही हो जाता है उसके जो सारे इनको भी घर, इनको छुट्टी नहीं मिलती है सबको पता है, इनकी छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, एक आम बंदे को 100 मिलती हैं तो इनको मेरे ख्याल में 30 भी नहीं मिलती होंगी, यही बात है ना। देख बेचारे त्यौहार मतलब करते हैं इतना सब कुछ, इन्होंने सही बोले बुनियाने तक फटी थी, मैंने खुद भी देखा है बिल्कुल, गर्मियों में जैसा उतारी के बैठे होते हैं बिल्कुल, ये होती है चीज। और अभी कोरोना जब था उसमें सबसे ज्यादा कौन थे आगे, पुलिस थी मतलब पुलिस वाले, मतलब डॉक्टर्स थे पुलिस वाले थे सबसे मतलब आगे, तो पुलिस ही कितने पुलिस वाले मार चुके हैं मतलब शहीद हो चुके हैं कोरोना की वजह से। सही बोला यार, देखो इनकी भी एक लाइफ होती है, इनके भी मियां बीवी बच्चे सब कुछ होता है, ये बहुत अच्छी भाई ने वीडियो बनाई है और ये पुलिस वालों के लिए बनाई है जो कि मतलब मुझे भी खुद बहुत ज्यादा बिल्कुल यार, और ये देख एक दिल सा सैड हो गया वाकई में, एक हम लोग इनको बोलते हैं ठुल्ले मुल्ले मतलब क्या कुछ नहीं बोलते, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल में क्या करते हैं ये हमें अभी पता लगा है। जहरी बात है, त्यौहार हो, ईद होती है यहाँ पे या वहाँ पे, दिवाली वगैरह होती है, पुलिस वाले अपनी जॉब पे होते हैं कि भाई हमने प्रोटेक्ट करना है अपने कंट्री को या अपने इस एरिए को और पूरी चीजों से, बिल्कुल यही मतलब वो अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। और फिर भी लोग बात करें तो कुछ, फिर जो कुछ अच्छे भी होते हैं ना फिर भी उनको जब ऐसे बोला जाता है ना तो वो भी चेंज हो जाते हैं। सही बोला है, वो यार दुख होता है उनको, किसी किसी को दुख होता है। अब एक और यार जो बुरे हैं उनको भी मतलब मैं कहता हूँ वो सेट हो जाए ना, अगर थोड़े वो कहते हैं समंदर में एक मछली गंदी हो तो पूरे दरिया को गंदा बोला। सही बोला। और यार जो मुबशिर जो फेस्टिवल होते हैं ना यार, तो आप लोग प्लीज उनको जाके गले में लिया कर सब कुछ, वो तूने यहाँ पे भी देखा ईद थी और मिले थे लोग बिल्कुल, और ये मतलब एक वीडियो भी वायरल हुई थी और उसमें इतने वो खुश हुए थे क्या बताएं बिल्कुल। सो गाइस आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यार बिल्कुल हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए पुलिस वालों की। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।